चलिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ द्वारकाधीश, जो विष्णु भगवान के चार धाम में एक परम धाम ये भी है द्वारकाधीश। और यहाँ माता गोमती गंगा के रूप में है, और ये श्री कृष्ण भगवान की अर्धांगिनी भी है। तो आप भी दर्शन कीजिए मेरे साथ। ये हम मछलियों को खाना खिला रहे थे, बहुत सारी मछलियाँ हैं। दिन में मतलब 24 घंटे में एक बार माता रानी लुप्त हो जाती हैं। और ये देखिए वहाँ के सागर का दृश्य। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ दर्शन कराऊंगी महादेव का, जो बादलों में आपको दिखेंगे। और ये हम आ गए थे भालुका तीर्थ, जहाँ श्री कृष्ण भगवान को तीर लगा था। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को हर्षु शिकारी ने तीर मारा था, और जिस वृक्ष के नीचे वो ये हर्षु जो बैठा हुआ है हाथ जोड़ के, वो हर्षु है शिकारी किसका। और भालुका तीर्थ के बाद हम जा रहे हैं रुक्मणी माता मंदिर और बेट द्वारका। तो जो दृश्य था वो मतलब बहुत ही सुंदर था, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है, आप भी देखिए। दोस्तों गुजरात बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप एक बार आएंगे तो आपका दोबारा जाने का यहाँ से मन नहीं करेगा, बहुत सुंदर जगह है। ये अरब सागर इतना सुंदर लग रहा था, और कभी कभी डर भी लगता था, क्योंकि द्वारका पूरे चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। ये हम बेट द्वारका आ गए थे। बेट द्वारका द्वारकाधीश से नाव में उस पार जाना पड़ता है। अभी हम नाव में बैठे हैं और हम उस पार जा रहे हैं बेट द्वारका समुद्र के एक टापू पे बसा हुआ है बेट द्वारका, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का निवास स्थान था। और ये है माता रुक्मणी मंदिर, ये रुक्मणी माता मंदिर है। और फिर हम वापस बेट द्वारका से हम फिर द्वारकाधीश आ गए थे। और ये देखिए इतना सुंदर दृश्य है ना। फिर हमने बीच में कुछ पिक्स ली थी। ये मेरी भाभी हैं, ये भी मेरी भाभी हैं। और ये हम फिर से आ गए थे बटेश्वर महादेव। अभी आरती में समय था, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मज़े कर रहे थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था दोस्तों, बहुत ही अद्भुत जगह है ये, अद्भुत जगह। जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनको एक बार गुजरात आकर उनको खुद ही पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं है। हर एक लहरों में भगवान थे, मतलब आसमान बादलों में एक उनकी अनुभूति मतलब महसूस हो रही थी भगवान की। बहुत ही सुंदर जगह है ये, बहुत सुंदर। जो इंडिया के हैं, जो इंडिया के बाहर के हैं, उनको एक बार गुजरात ज़रूर आना चाहिए। चलो। और ये प्यारी सी बच्ची बहुत नटखट, इसने हमारा बहुत साथ दिया पूरे सफ़र में, कभी भी तंग नहीं किया। चिंकी चलो। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी सुंदर जगह है ये। ये जून का महीना था दोस्तों, जुलाई अगस्त में मतलब समुद्र का लहर इतना तेज होता है कि बटकेश्वर महादेव जी डूब जाते हैं, उनके जल में मग्न हो जाते हैं। हमारा सौभाग्य था कि बटकेश्वर महादेव के दर्शन हुए। फिर दर्शन करके हम थोड़ा ऊँट की सवारी के लिए बीच पे आ गए थे। तो मैं ऐसे ही समुद्र का ही पिक्चर ले रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी, ऐसे ही वीडियो बना रही थी।
और फिर मैंने होटल में जाके देखा, वीडियो देखा, तो मुझे अद्भुत एक दृश्य दिखे महादेव जी। मतलब आप भी दर्शन कीजिए इनको, है ना भगवान। जो कहते हैं भगवान नहीं है तो ये कौन है। और ये है बटकेश्वर महादेव। अब यहाँ पे आना बहुत आसान है, पहले बहुत मुश्किल होता था। आप पीछे के गूगल में जाके बटकेश्वर महादेव के जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ आना बहुत मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना। ये पानी में डूबे रहते थे। आप भी दर्शन कीजिए महादेव के, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अभी आरती हो रही थी, करें। हाय हाय हाय।